फ्रेंड्स, जीएमएम फोडलर के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट रिकॉर्ड स्तर पर आए हैं और इसके अलावा इस बार कंपनी ने जो एक बिजनेस एक्वायर किया है उसका भी रिजल्ट साथ में दिखा, यानी कि कॉन्सोलिडेट रिजल्ट भी साथ में दिखाने की कोशिश की है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट की वजह से हमें सही सही रिजल्ट का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो इसी वजह से हम PFI के अलग बिजनेस को भी देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट कितना शानदार है उसका अनुमान लग जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो 2019 में 50 करोड़ का प्रॉफिट करती थी पूरे साल का, उसके सामने सिर्फ इस बार चौथी तिमाही में ही 56 करोड़ का प्रॉफिट कर डाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम GMM फोडलर के स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो जो पिछले साल 131 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वो बढ़कर 214 करोड़ पर, यानी कि 60% की साल दर साल हमें रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन में बहुत बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, ये सभी आंकड़े मिलियंस में करोड़ में मैं बोल रहा हूँ। और पिछले साल जो 116 मिलियन यानी कि 11.5 करोड़ का प्रॉफिट था वो 200% से भी ज़्यादा बढ़कर 36 करोड़ पर आया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रिकॉर्ड स्तर पर इस बार GMM फोडलर ने प्रॉफिट दर्ज किया है। और अब बात करते हैं इसने जो बिजनेस एक्वायर किया है PFI, तो उसकी फ्रेंड्स अकेले रेवेन्यू की बात करें तो 255 करोड़ की इस बार रेवेन्यू रहे और इसके अलावा इसका प्रॉफिट 20 करोड़ रहे। तो 20 करोड़ का PFI का प्रॉफिट और 36 करोड़ का GMM का प्रॉफिट मिला ले तो 56 करोड़ का प्रॉफिट चौथी तिमाही में GMM फोडलर ने कमाया, ऐसा हम कह सकते हैं। जो कि 2019 में 50 करोड़ पूरे साल का प्रॉफिट था। तो आप इस एक्विजिशन का महत्व समझ सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने जो कॉन्सोलिडेट रिजल्ट पेश किए वहाँ पर 458 करोड़ की PFI और GMM की दोनों रेवेन्यू मिलाकर 458 करोड़ की रेवेन्यू दर्ज किए और 57 मिलियन का लॉस दर्ज किया। तो उसका रीज़न यह है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो इस बार जो कंपनी ने नोट दर्ज किया है कि 3-4 अलग अलग एडजस्टमेंट की वजह से लॉस हुआ है। हालांकि मैंने आपको जैसा देखा है कि इस बार एक्चुअल में 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ एडजस्टमेंट देख सकते हो फ्रेंड्स के 335 मिलियन यानी कि 33 करोड़ का वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट है और इसके अलावा 457 मिलियन जो वैल्यू एडजस्टमेंट है इन्वेंटरी पर और इसके अलावा 12 मिलियन एमोर्टाइजेशन कॉस्ट है और इसके अलावा 148 मिलियन डेफर्ड टैक्स है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर एडजस्टमेंट की वजह से ये रिजल्ट समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मगर जैसे ही इसकी प्रेस रिलीज निकल कर आई तो यहाँ पर बहुत ही शानदार रिकॉर्ड स्तर पर इसके नतीजे आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस शेयर को अगले आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि यह एक्विजिशन 7,000 तक ले जाएगा।